आदमी बहुत मेहनत कर रहा है एडिटिंग में, फिर भी आप लोग व्यूज नहीं दे रहे तक पड़े रहोगे दूसरों के घर में। ये थूक लगा रहे मुझे, क्या हाल कर रहे हैं? पेड कोलैबोरेशन ओनली। ये राज भी छुपी के साथ ही रहेगी। और यहाँ पे ब्लाउज पहननी पड़ेगी। इतना घटिया ना कि हंसी भी नहीं आई। और भाई आज की सुबह हुई है, हमारे कपड़े धोने के साथ ही कपड़े हमने धो दिए थे और फटाफट डाल दिए हैं बाहर, और एक एक और मशीन में भरे हुए कपड़े पड़े हैं वो भी धुल चुके हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको डालूं बाहर वाली बालकनी में, मतलब जो रूम की बालकनी है, क्योंकि कपड़े अभी और भी ज्यादा पड़े हुए हैं जो धोने बाकी है। उसका रीजन ये है कि भाई पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पे, मतलब दिक्कत वैसे कुछ नहीं चल रही, सिर्फ हमें ये टेंशन रहता है कि अगर हमें कपड़े धो दिए और फिर पानी नहीं आया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गर्मी में होती है ना दिक्कत, इसी वजह से चल रही थी। अभी तो ठीक है, वैसे अभी तो ठीक चल रहा है। हफ्ते भर पहले प्रॉब्लम थी, कभी बीच बीच में एक दिन पानी नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े टैंक नहीं होते ना। तो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है, आज हमारा था मूंग दाल का चीला और डुगू ने भी वही खाया। फिलहाल डुगू एडिटिंग कर रहे थे। भाई आजकल ये आदमी बहुत मेहनत कर रहे हैं एडिटिंग में, फिर भी आप लोग व्यूज नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हो यार, क्या क्या दिक्कत हो गई व्यूज देने में? अब तो हम थोड़ा थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं, फिर भी व्यूज नहीं दे रहे गाइस, है ना? अब ये चाहते हैं कि बस तुम ट्रैवल करो दूर दूर, फिर ट्रैवल से थक जाते हैं, फिर कहते हैं घर जाओ, कब तक पड़े रहोगे दूसरों के घर में? इनको वो तब भी चैन नहीं पड़ती, कब तक दूसरों के यहाँ रोटी खाते रहो पड़ोगे, वो भी चैन नहीं पड़ती, पता क्या करे। और इसको इसको देख लो, इसको देख लो, कल रात से रबड़ का जो इसने हाल किया ना, चादर देख लो, क्या हाल, चादर पे क्या किया इसने, इसने ये थूक लगाया चादर पे, और ये थूक लगा रहा है, क्या हाल कर रहा है? रबड़ के पीछे बहुत पागल है, बहुत पता क्या कर रहा है, रबड़ उठा के ना, इसको इतना भी सबर नहीं है, रबड़ उठा के पूरी गीली कर रखे थूक में, नाक पीटे चल यहाँ से। रबड़ उठा के ना इधर रखेगा, अपनी अपनी कटोरी में रखेगा, फिर खाना खाएगा। ये इतना मतलब इनसिक्योर है रबड़ को लेके, बहुत ही ज्यादा भाई साहब। कोई रबड़ ना खा जाए, उससे पहले मैं ही रबड़ खा दूंगी। ये देख लो हरकत है, अब उछालेगा इसको, ओ तेरी चल। और भी कहीं टैटू बनाने के दीवारों पे थूक के? गाइस किसी को थूक के टैटू बनवाने हो अपनी वॉल पेंटिंग के लिए तो कांटेक्ट करें साहिब द कैट पे, पेड कोलैबोरेशन ओनली। देखो 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 देखो, बार्टर भी हो सकता है, अगर आप रबड़ दोगे तो बार्टर भी कर सकते हैं। रबड़ रख लिया ना यहाँ पे, कहा ये देखो रबड़ रख लिया, अब इसके साथ साथ खाना खाएगा साहिब। ऐसे आप इसको रबड़ को भी खा जाओगे, देखो ये वाला इधर रख देते हैं, ये अच्छा इधर रख देते हैं, आप इसमें से खाना खाओ, इसमें से खाना खाओ, इसमें से खाना खाओ, उसी में से खाना खाएगा, नहीं खाना रबड़ के साथ खाना। रात को भी यही हाल कर रहा था। अरे पापा यार ये क्या चुभे चुभे नाटक कर रखा है यार, इस आंदाने है मेरी बेटी, मेरी बेटी हीत पे चल रही है, मेरी राजकुमार जी तो हीत पे चल रही है। मेरी ईद की बातें मत सुनाया करो, आपकी कहानी सुनाओगे कब रात की? क्या कर रात की कहानी? सब पता है मुझे, कोने पे बैठी हुई थी मैं, सब देख रही थी मैं, चल रही थी क्या हरकतें चल रही थी, तो छुपी को ही पता है। ये राज भी छुपी के साथ ही रहेगी। क्या है तो गाइस फिलहाल मैंने कल भाई वीडियो डाला था जिसमें मैंने 2000 कमेंट्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अभी तो मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, फिर आएंगे कमेंट्स 24 घंटे में। क्या कर रहे हैं यार तू? कंटेंट बाबू, ये कोई कंटेंट है क्या यार? गाइस ये कंटेंट है ना, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है गाइस। हां कह रहे हैं तो भाई देखते हैं 2000 कमेंट आते हैं कि नहीं, तो फिर वो साड़ी वाला वीडियो बनाएंगे कल। क्या होगा साड़ी वाले में? साड़ी बांधनी आती आपको? तू बनाएगी, पेटीकोट भी पहनना पड़ता है उसमें, यहाँ पेटीकोट पहनना पड़ता है डमडम पे, और यहाँ पे ब्लाउज पहननी पड़ती है डमडम पे, पहन लेंगे, और यहाँ पे साड़ी की पल्लू ऐसे आती है, ठीक कर लेंगे। और ये छोटे छोटे बाल में क्या करूंगी मैं? ये कर लेंगे वेग वेग लगा दियो। कौन सी वेग पे बाल काट के लगाऊंगी? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। मारा तो ज्यादा मस्ती आ रही है क्या? ज्यादा मस्ती, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रबड़ के नशे में बैठे हो तो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं भाई। गाइस आप सेलिब्रिटी से मिलना चाहोगे? जैसे मैं उसके पास जाऊंगी ना यहाँ से उठ जाएगी। थोड़ा तेज बोल। जैसे मैं उसके पास जाऊंगी ना ऐसे यहाँ से उठ जाएगी। बाबू सॉरी कुत्ती, आई 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 आई
बस आगे बाल हाथ में मेरे, आगे बाल हाथ में मेरे, आई आई आई। तो गाइस अभी अभी हम किचन में थे और डुगू एक कुछ बनाने वाले थे हाथों को गोरा करने की रेसिपी, और भाई उस रेसिपी में वो बोलती है सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन वाला पाउडर, और मेरे पति ने पता नहीं कैसे सोच लिया कि मुल्तानी मिट्टी, और भाई बेसन नहीं था, दो तीन चीजें और थी, मिल्क कर्ड सब मंगा लिया टोटली। फिर फाइनली जब दोबारा देखने लग गए तो वहां पे वो बोलती कि भाई ये चंदन का पाउडर यूज करना था। अब मेरा पति थकार के सारा समय वापस रसोई में रख दिया, किचन में वापस, और यहाँ आ गया। वो है प्रियंका चोपड़ा की जो वायरल वो हुई थी ना, जो वो रेमेडी रेमेडी टैनिंग हटाने की, वो बना रही थी मैं, सैंडलवुड पाउडर ही नहीं, अब क्या करें। और वो एक काम हो सकता है इसमें, क्या अपन सैंडलवुड पाउडर बना सकते हैं। कैसे? अंदर मेरी सैंडल रखी है बहुत सारी। बाबू बहुत ही घटिया जोक था, इतना घटिया ना कि हंसी भी नहीं आई, सही बता रही हूँ, हंसी भी नहीं आई, इतना घटिया जोक था ये। पाउडर निकाली जाएगा उसमें से, उसको मिला के नंबर तेरे हाथ अगर गोरे नहीं हुए ना, नाम बदल दूंगी अपना। ठीक है, इस ब्लॉगर की जिंदगी बड़ी ही मुश्किल होती है, मैं आपको बता दूं। हाँ, ढक दे बिल्कुल भी आसान नहीं होती ब्लॉगर की जिंदगी जो होती है। अच्छा, पूरा ही पानी गीला कर दे, बहुत बढ़िया किया। किसने किया? बॉटल गिरी है, किसने रखा है? और मेरा वो डिटॉक्स, तो ये डिटॉक्स कैसा बनाया है आपने गाइस को आप बताना चाहेंगे? इसके अंदर है वैसे तो लेमन पील और मौसम्बी की पील डाले थे, बट मैंने लेमन नहीं डाल दी और मौसम्बी भी डाल दिया। तो दो तीन घंटे इसको रख दो और बाद में फिर इसको छान के और गाइस गर्मी में आप ओवरनाइट अगर आप डिटॉक्स लेते हो तो ओवरनाइट डिटॉक्स मत बनाओ, मॉर्निंग में बनाओ, तीन घंटे के लिए रख दो और तीन घंटे में डिटॉक्स हमारा रेडी हो जाता है, आप उसके बाद उसको इनटेक करो। और ये जो डिटॉक्स है ये पूरा विटामिन सी डिटॉक्स है, आपकी बॉडी को एक तो ये हाइड्रेट रखेगा प्लस आपकी स्किन को अच्छा करेगा क्योंकि इसमें लेमन है और मौसमी है। yes. ये देख रहे हो डुगू की स्किन का राज यही है। फ्रूट से पहले बहुत खाते थे आप, अभी भी खाते हो वैसे तो। डुगू को माल्टा का जूस बहुत पसंद है, डुगू को मैंगो शेक पसंद है, और क्या क्या पसंद है आपको? बस यही पसंद है, माल्टा तो फेवरेट है आपका। तो डुगू को थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ है अभी, मैं आपको कारण बता देती हूँ। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि डुगू का मूड थोड़ा खराब है, जो कि वो प्रिटेंड नहीं करना चाहता कि भाई खराब है, बट मैं आपको बता देती हूँ एज अ ब्लॉगर बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सो गाइस शाम के बच चुके हैं भाई, 7:30 या 8 बज रहे होंगे और हम लोग अभी जा रहे हैं भाई, यीशु की डाइट आ चुकी है न्यू वाली, तो डाइट का सामान लेने के लिए फिर से आपको दोबारा से आएंगे तो सब्जियों के भाव बताएंगे। और ये देख लो ये रही यीशु, स्माइल क्या दे रही है, बात कर गाइस से। कर लूंगी मैं, तुम क्यों मैं को वो कर रही हूं? मेरे से पहले तैयार होने गई थी और अभी तक इतने इसका वो नहीं खत्म हो श्रृंगार। मेकअप कर रही हूं कि मैं बाल बांध रही हूँ, रेडी तो नहीं हुई ना, चेक कर रही हो क्या? नहीं हो, दिख नहीं रहा आपको? चल फिर, हजार काम होते हैं मुझे। दिखाई जरा हाथ अपना, दिखाई जरा ऐसे दिखा हाथ में, हाथ दे के चल, रबड़ मिल गया उसे है, उतार दूंगी। क्यों? ठीक है फिर, ऐसे बाबू कुछ बोलना है तो बोल ले अब इसमें, क्या है शक्ल दिखाना जरा इधर, पसीने आ रहे, जो किसी को नहीं आते, जो काम करता है उसको ही आता है। दिमाग मत खराब कर, बता रही बहुत बेइज्जती कर रही है मेरी। हाँ एडिटिंग तो तू करती है ना, अब बोल। रसोई में सारा दिन खाना तो आप बनाते हो ना? हाँ, तो जैसे तू रसोई में खाना बनाती है वैसे मैं एडिटिंग करती हूँ। फर्क है, यहाँ पे एसी लगा है, किचन में एसी। उस दिन तो मेरी खुद तारीफ कर रही थी, वो गलती हो गई ना मुझसे, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी, भगवान मुझे माफ करे। हाथ में आ गई, बाल खराब हो रहे, दिखती ना आपको? या तो फोन पकड़ ले या तो चल चाबी लेके बाहर। फोन उठाया तूने अपना? नहीं उठा। फिर कौन उठाएगा फोन? आपको क्यों पकड़ू मैं थैला? मैं स्कूटी चलाऊंगी, देखो आती है स्कूटी चलानी, देखो आती है स्कूटी चला, मैं चाबी लॉक नहीं करूंगी क्या? पकड़ जल्दी, तेरे को लॉक करना आता है क्या? रुक जा, ये बैठी है, चलो ना आता है, चलो मतलब ये गंदी सी बात किससे पूछ के बोली है? आता है तेरे को लॉक करना? चलो चल दिखा करके, चलो आज देखेंगे हम यीशु को गेट लॉक करना आता है कि नहीं। चलो मैं अंदर लॉक कर दूं, तुम्हारी ताली की बात कर रही हो। चल कर, वाओ तुझे तो लॉक करना भी आता है, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो
ओ सॉरी, तेरे को खोलना नहीं आता, बंद करना तो आता है, तेरे को खोलना नहीं आता। बंद करना खोलना सब आता है मुझे। हाँ हो गया। तो गाइस हम सब्जी लेके आ गए थे भाई घर, और आज बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लानी थी मेरे को, लेकिन आज एक अलग सब्जी आई थी, वो है ऐश गार्ड, जिसका पेठा बनता है, मीठे वाला पेठा जो हम खाते हैं, वो उसका मेरा मतलब जूस है डाइट में, तो मैं वो एक अलग लेकर आई हूँ। बाकी तो वही सब धनिया, पुदीना, प्याज, कैप्सिकम, ये सब चीज़ें और फ्रूट्स। सब्जियाँ कम थी इस बार क्योंकि कुछ घर पर पड़ी हुई भी थी, क्योंकि हम बीच में ना मैंने कुछ ऑनलाइन भी मंगवा ली थी, तो भाई ऐसा ऐसा था आज भी। और अभी मेरे को एप्पल नहीं मिले, एप्पल लाने थे तो वो नहीं मिले, क्योंकि एक ही जगह पे थे और वो ख़राब ख़राब थे, तो मैंने नहीं लिए, मैंने कहा भाई छोड़ो नहीं लेते हैं। सो ऐसा ऐसा रहा भाई, गर्मी हवा है बाहर लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या ही करें। और एक और चीज़ पेंडिंग है मेरी, मुझे रोज़ पेटल चाहिए थे जिसमें फ्रेगनेंस, जो खुशबू वाले नहीं होते असली वाले, यहाँ पे वो मिलते नहीं हैं यार, बहुत मुश्किल हो रही है। बाकी एक फ्लावर की शॉप पे जो मंदिर वाली मालाएं बनती हैं वहाँ पे बोला है मैंने, तो उन्होंने बोला है कि कल शाम तक मे बी आएंगे उनके पास, तो एक बार वहाँ पे देखना पड़ेगा जाके मिलते हैं कि नहीं मिलते, वरना बात करनी पड़ेगी कि भाई मतलब कि चेंज करो कुछ और दो। रोज़ पेटल टी पीनी है मेरे को जो उसके लिए चाहिए। और कमेंट्स मैंने अब तक देखे नहीं है भाई, आप लोगों ने 2000 किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट भी हैं कि अगर 2000 कमेंट भी आए तो ऐसा मत करो। तो वो बहुत सारे मुझे पता है टॉम्बॉय हैं जिनका दिल ऐसे दुख रहा होगा कि नहीं यार ऐसे कैसे ये हो, तो मैं इस देखो ये मेरा मैटर नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ जिसका मैटर है भाई वो इस चीज़ का डिसीजन ले। पहले तो डिपेंड करता है कि आप लोगों के कमेंट्स उतने 1400 कमेंट आ गए कल तक तो आ जाएंगे आराम से, बाकी देखते हैं। सारा डिसीजन इधर ही लेना है, मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ, मेरा कोई परसेंटेज इसमें शामिल नहीं है। अरे कुछ नहीं होता यार, अब प्रॉमिस किया है तो भाई निभाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, तो इतनी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ये। भूख लग रही बहुत है तभी तो हवा टाइट हुई पड़ी है इधर, हालत खराब है, कुछ इलायची खा के पतला होना है, मैंने खा लो कुछ पतला होना है, अपने तो मामले सेट है भाई। क्या कौन लग रही भूख, पता नहीं मेरे को अभी फील होने लगी है, इससे पहले नहीं हुई थी मेरे को। एक महीने से एक महीने की डाइट कर ली, अब क्या भूख लगेगी। हाँ यार ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मकबैन पे हमारा वीडियो आ चुका है, तो आप जाओ उसको बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा इन्जॉय करो गाइस। और बाकी मुझे एक मैसेज देना है, लेकिन वो मैं मकबैन पे ही दूंगी क्योंकि वहीं पे वो कमेंट्स आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं पे वो उस वीडियो पे जवाब दूँ। वहाँ पे भी दे दियो, पहले बताएं यहाँ पे भी बताएं। लोगों को ऐसा लग रहा है वहाँ पे मैंने कमेंट्स पढ़े और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, वहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि इन्होंने वेट लॉस अपना डाइट से नहीं किया, डाइट से वेट लॉस नहीं होता, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेंशन किया है कि उसे उसके शेक पीने से ही वेट रिड्यूस किया है। तो मैं बता दूं कि मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती, मैं कोई शेक वेक नहीं पीती, मैंने तो इनको तो पता है ना। हाँ मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, आपने ही बोला यहाँ पे बता दे, मैं तो यहाँ पे बोलना ही नहीं चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या बात, यही वाली डाइट वाली बात को लेके, कि लोगों को इतनी ज्यादा वो है कि डाइट से वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि जब हम अपना वजन घटाते हैं, अपना फैट लॉस करते हैं, या कुछ भी आप किसी भी चीज पे जाते हो ना, तो 75% डाइट होती है, 25% आपकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज पे जाऊंगी मैं, जिम पे मैं जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मैंने एक टारगेट सेट किया है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी मुझे तकरीबन 15 से 16 किलो वेट और रिड्यूस करना है, और उसके बाद जब आप इतना वेट रिड्यूस करते हो, 20 किलो जब आप अपनी बॉडी से रिड्यूस करते हो ना, 20 से 25 किलो, तो आपकी बॉडी ना लूज हो जाती है, जो कि मुझे अपनी बॉडी में दिखाई दे रही है चीज़ें, वो आपको कैमरा पे पता नहीं चलेगी कि बॉडी मेरी लूज हो रही है। तो फिर आप उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ता है ताकि वो आपकी स्किन टाइट हो जाए, ठीक है। तो वैसा है, तो वो मैं वहीं पे यू नो एक बार बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी अलग है, उनको इसके बारे में समझ नहीं आता। सो ऐसा तो बस यही था। एंड नहीं यार ये एक मतलब कुछ लोग मिसगाइड है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि डाइट बहुत ही अहम हिस्सा होता है, आप खाली एक्सरसाइज से भी अपना वेट रिड्यूस या वेट गेन नहीं कर सकते, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका डाइट है ना। और मुझे मैं सिर्फ डाइट पे जाना ज़्यादा इसलिए अच्छा समझती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल ज़्यादा फील करती हूँ डाइट के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती, मेरा बीपी लो हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, और इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं विंटर्स में ज्वाइन करूँ जो मौसम अच्छा रहे थोड़ा। और मैंने मेन आपको चीज़ें बताई थी कि मैं कब ज्वाइन करूँगी जिम के लिए। सो अभी बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एंड
बस अभी अपनी जर्नी चल रही है गाइज, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार मैंने कुछ और यू नो गोल लिया है। 30 जून तक मैंने एक गोल लिया है अपने वेट का, और मैं चाहती हूँ कि बस वो किसी भी तरीके से अचीव हो। उसके लिए जैसी मर्जी डाइट लेनी पड़े, मतलब जैसी मर्जी इन द सेंस कि लिक्विड ज़्यादा लेना पड़े, जूसेस पे ज़्यादा जाना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है तो सब चलता है। बाकी डाइट बहुत अमेजिंग आ रही है तो मज़े आ रहे हैं, और डुगू भी फॉलो कर ही रहे हैं। बस डुगू का रात को ये है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, इसलिए रात को मैं सोचती हूँ कि भाई जितना जल्दी हो सो जाओ, है ना। और एक खुशखबरी दे देती हूँ मैं आपको, कल सुबह मेरी डाइट में इडली है, रवा इडली ब्रेकफास्ट में रवा इडली है, और है भाई कोकोनट की चटनी जो कि मैं सुबह ही बनाऊंगी, अब मैं नहीं बना रही। तो चलो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हाँ, एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ और भी बता दूँ, पूरी डाइट में कहीं से कहीं पे भी ना मिर्ची के लिए नो नहीं लिखा हुआ, वरना जितनी भी अब तक डाइट आई है सब में स्पेशली मेंशन किया है कि ना ब्लैक पेपर, ना रेड चिली, ना ग्रीन चिली, बिग नो, लेना ही नहीं है। तो फाइनली एक हरी मिर्च खाने का सुकून मिलेगा मुझे तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बाकी देखते हैं सुबह, बड़ा ही मजा आने वाला है रवा इडली के साथ गाइस। तो मैं आपको मिलूंगी सुबह रवा इडली के साथ। बाकी इंसान कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। कुछ नहीं, मेरे बस की नहीं, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। शुभी कुछ बोलना चाहती है? शुभी कुछ कहना चाहते हो आप? मुझे तो नींद आ रही है यार, दिमाग खराब, कुछ कह लो। नहीं नहीं सोना है मुझे, हटा लो। और आपके पति देव कुछ कहना चाहते हैं? वो मेरा पति नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पा रहा। कुत्ता बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पा रहा, क्या क्या दुख क्या है आपको ये बताओ? बहुत बड़ा दुख है, बता नहीं सकती मैं। अरे नहीं नहीं बताओ, अभी मैं नींद में हूँ। अरे हम सुन रहे, बताओ। मॉडल वाला पोज तो दे दो एक बार। नहीं, मॉडल वाला पोज दे दो एक बार। नहीं, मेरी बस की नहीं है अभी। मॉडल वाला पोज दे दो प्लीज। अरे हमको मत लो कैमरा में, हम नहीं आना। अरे ले लो ना एक बार। अरे कहाँ है पापा, हम परेशान कर रहे हो, हम नहीं आएंगे। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। हम मिलेंगे आपसे भाई कल नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं, अगर कमेंट्स होगा तो कल ही आ जाए, कल जो शूट करेंगे वीडियो में भी हो सकता है वो साड़ी वाला शूट करें। तो चलो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।